हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ 10x9 का ऑफिस में आप कैसे डिज़ाइन करें, उसका क्या कॉस्ट पड़ेगा। तो बने रहे मेरे वीडियो में अंत तक, साथ ही मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ऑफिस का अगर मैं चौड़ाई का और लंबाई का बात करूँ तो ये आपको 10x9 का मिल जाता है, जिसमें आप देख सक रहे ओवरहेड कैबिनेट बनाया गया है। जिसका अगर साइज का बात करूँ तो हाइट मिल जाता है आपका 16 इंची और डेप्थ मिल जाता है उसमें 12 इंची। तो आप इसमें फाइल के वगैरह अच्छे से रख सकते हैं। तो ये आपका ओवरहेड कैबिनेट जो है वो आपको 12 पल्ला का मिल जाता है। जैसा कि देख सक रहे, यह हमारा मेन डोर है, देख सक रहे हैं। इसमें आपका सब में शोकेस बनाया गया है सामान वगैरह रखने के लिए, कोई भी शोपीस। और इसमें ग्लास डोर दिया गया है 3 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबाई का, जैसा कि देख सक रहे हैं। इस तरह से आपको ये ब्लैक ग्लोसी में लुक दिया गया है। और लेफ़्ट साइड में देख सक रहे हैं एक सेठी का जगह बनाया गया है। तो इसका साइज़ का अगर बात करूं सेठी का, तो आपको चौड़ाई 4 फीट और डेप्थ आपको इसका 14 इंच मिल जाता है। और इसका अगर हाइट का बात करूँ तो ये 16 इंच बन जाता है। इसमें आपको स्लाइडिंग पल्ला मिल गया है, देख सक रहे हैं दोस्तों, स्लाइडिंग स्टोरेज के लिए। और इसका गद्दा लगा के हाइट टोटल रखना पड़ता है दोस्तों आपको 19 इंची, जो कि बैठने में सुविधा होता है। तो और एक इसमें ध्यान रखने वाला बात है कि आप काउंटर कितना साइज़ का बताए, तो एरिया के हिसाब से आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपका 9 फीट का मेरा एरिया था, तो यहाँ पर मैंने 39 इंचेस करके रखा है, 3 फीट 3 इंच करके दोनों काउंटर है। और इसका डेप्थ का अगर बात करूँ तो दोस्तों आपको 21 इंच का डेप्थ मिल जाता है। और हाइट का बात करूँ तो ये आपको 30 इंच मिल जाता है, जो कि स्टैंडर्ड माप है, देख सक रहे। इसमें ड्रॉयर वगैरह दिया गया है, सीपीओ रखने का जगह दिया गया है दोस्तों। लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 ड्रॉयर और एक पल्ला दिया गया है दोस्तों, जिसका साइज़ का अगर बात करूँ तो वो 12 इंच। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसे ही नया नया वीडियो, लेटेस्ट वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उससे रिलेटिव मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूंगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।